गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम क्लास 7 हिंदी मीडियम सब्जेक्ट विज्ञान पार्ट 1 करने वाले हैं। पहली एक्सरसाइज है, सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। क, स्वपोषण केवल खालिस्तान में पाया जाता है। स्वपोषण का मतलब होता है बच्चों, वे जंतु जो अपने भोजन को स्वयं बना सकते हैं, उन्हें हम स्वपोषण कहते हैं। पहला है हरे पौधे, दूसरा है अहरित पौधे, तीसरा है जानवर, चौथा है मनुष्य। तो सही उत्तर होगा हरे पौधे, क्योंकि हरे पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा वह अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। ख, पत्तियों की निचली सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को खालिस्तान कहा जाता है। सही उत्तर होगा रंध्र। ग, पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। सही उत्तर होगा क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल नामक वर्णक की वजह से ही पत्तियों का रंग हमें हरा दिखाई देता है। घ, प्रकाश संश्लेषण के दौरान वातावरण में खालिस्तान गैस निष्कासित की जाती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान वातावरण में पौधों के द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। ण, जानवर जो केवल पौधे या पौधों के उत्पादों को खाते हैं, उन्हें खालिस्तान कहा जाता है। उत्तर होगा शाकाहारी। सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, पौधे अपना खुद का खालिस्तान बना सकते हैं। उत्तर होगा भोजन। ख, पत्तियों को पौधों का भोजन खालिस्तान कहा जाता है। उत्तर होगा कारखाना, क्योंकि पौधों में भोजन पत्तियों में ही बनता है, इसलिए पत्तों को भोजन कारखाना कहा जाता है। ग, पानी और सूरज की रोशनी की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। घ, परपोषी अपने भोजन के लिए खालिस्तान पर निर्भर करते हैं। परपोषी यानी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अर्थात वह दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो किन पर निर्भर करेंगे? हरे पौधों पर निर्भर करते हैं। ण, सेप्रोफाइटिक खालिस्तान या शण निकायों से भोजन प्राप्त करते हैं। सेप्रोफाइटिक जंतु यानी वह जंतु जो अपना खाना मृत सड़े गले जानवर व कचरे से लेते हैं, उन्हें हम सेप्रोफाइटिक कहते हैं। इसलिए खालिस्तान में आएगा बच्चों विघटित यानी जो सड़ चुके हैं या शण निकाय। चौ, बैक्टीरिया और खमीर को खालिस्तान कहा जाता है। बैक्टीरिया और खमीर अपना खाना सड़े गले डेड बॉडी से लेते हैं, इसलिए उन्हें हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। छ, खालिस्तान सहजीवी का एक उदाहरण है। उत्तर होगा लाइकेन। सहजीवी यानी सहजीवन, मतलब एक ऐसा जीवन जिनमें दो लोगों के बीच में बराबर की हिस्सेदारी हो, 50% का फायदा पहले पार्टनर को हो और दूसरे को भी उतना ही बराबरी का फायदा हो। तो लाइकेन एक ऐसा ही जीवन व्यतीत करते हैं। जो वीनस फ्लाईट्रैप खालिस्तान का एक उदाहरण है। वीनस फ्लाईट्रैप बच्चों मांसाहारी पौधे का एक उदाहरण होता है। यह एक प्रकार का फूल होता है जो कीड़े दिखने पर, छोटे छोटे इंसेक्ट्स या कीड़े दिखने पर अपने आप को खोल लेते हैं और ये इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि इनके ऊपर कीड़े आकर के बैठ जाते हैं। फिर ये अपने फूल को बंद कर लेते हैं और फ्लाईट्रैप यानी उसे अंदर ट्रैप कर लेते हैं, दबा के रख लेते हैं और धीरे धीरे उसे डाइजेस्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी का मिलान करो। ठीक है, तो पहला है हरे पौधे। हरे पौधे को आप किससे मिलान करेंगे? प्रकाश संश्लेषण। दूसरा शेर। शेर कैसा होता है बच्चों? मांसाहारी होता है। तीसरा है मनुष्य। मनुष्य का मिलान करेंगे सर्वाहारी से। लाइकेन, लाइकेन सहजीवन व्यतीत करता है, मैंने आपको बताया, तो वह क्या कहलाएगा? सहजीवी कहलाएगा। परजीवी, परजीवी का एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों? फीता क्रमी। सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट का एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों? खमीर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, पोषण शब्द को परिभाषित कीजिए, और इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, जिस प्रक्रिया से सजीव भोजन ग्रहण करते हैं और ऊर्जा बनाते हैं तथा इसका उपयोग अपनी वृद्धि और विकास के लिए करते हैं, पोषण कहा जाता है। पोषण के दो मूल रूप से दो तरीके होते हैं, पहला स्वपोषी पोषण व दूसरा परपोषी पोषण। प्रक्रिया भोजन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम भोजन को ग्रहण करते हैं व उससे एनर्जी यानी ऊर्जा बनाते हैं, ताकि इस ऊर्जा का उपयोग हम हमारी वृद्धि और विकास के लिए कर सके, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पोषण कहते हैं। और पोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी जिसमें भोजन स्वयं बना सके, परपोषी जिसमें स्वयं ना बनाकर दूसरों पर निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक हरा वर्णक होता है, यह पत्तियों को सौर्य ऊर्जा ग्रहण करने में सहायता करता है। इस ऊर्जा का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सूरज की रोशनी की उपस्थिति में भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। बच्चों पौधों में पत्ती होती है और पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक हरा वर्णक पाया जाता है। इस क्लोरोफिल में ये कैपेसिटी होती है कि जो सौर ऊर्जा मिल रही है या अपने में उसे समाकर स्टोर करके रख सके, क्योंकि इस एनर्जी का प्रकाश संश्लेषण में काम होता है। ठीक है, तो सूरज की रोशनी की उपस्थिति में भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में मौजूद वर्णक का नाम दे जो सूरज की रोशनी से ऊर्जा ग्रहण करता है। उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परपोषी क्या होते हैं, परपोषी के दो उदाहरण दीजिए। मैंने आपको बच्चों पहले भी बताया, परपोषी का मतलब इस प्रकार का पोषण जिसमें वह दूसरों पर डिपेंड करते हैं। उत्तर हो जाएगा, पशु और अहरित पौधे जैसे कवक आदि अपने स्वयं के भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, अपने भोजन के लिए वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हरे पौधों पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी कहा जाता है, और भोजन के उनके इस तरीके को हम परपोषी परपोषण कहते हैं। तीन प्रकार का होता है परपोषण, पहला होता है होलोजोइक, दूसरा होता है सेप्रोफाइटिक, तीसरा होता है पैरासाइटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल गैस का नाम दीजिए। दो गैस का इस्तेमाल होता है बच्चों प्रकाश संश्लेषण में। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पौधे क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, तो दोनों ही गैस हमारे उत्तर में आएगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उदाहरण के साथ सेप्रोफाइटिक पोषण को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, सेप्रोफाइटिक पौधे अपने भोजन सड़ी गली पत्तियों, मृत जानवरों और घरेलू कचरों से प्राप्त करते हैं। और इसके दो एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे बच्चों, यीस्ट एंड बैक्टीरिया, एक या एक उदाहरण लिख लीजिए, दो लिख लीजिए। इसी के साथ हमारी पहले चैप्टर की एक्सरसाइज सारी खत्म होती है। जल्द से जल्द इसे सारे बच्चे कॉपी में लिखेंगे। ठीक है,